हेलो एंड वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट। तो दिस इज लेंस लेक्चर नंबर 7 और आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम बात करेंगे माइक्रोस्कोप की। किसकी? माइक्रोस्कोप की, ठीक है। तो याद रखना, माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को जूम करके, मतलब उसको बड़ा करके ऑब्जर्व करने के काम आता है, ठीक है। तो बेसिकली माइक्रोस्कोप दो तरीकों के होते हैं, एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, ओके, और एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। दोनों माइक्रोस्कोप क्लियर करने वाले हैं हम, और सारे यूजेस वगैरह सारी चीज़ें इनसे रिलेटेड क्लियर कर लेंगे, ओके। तो सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो बेसिक डिफरेंस ये होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप में एक ही लेंस यूज़ होती है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस यूज़ होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप, ओके। तो आपने देखा होगा जो वॉच रिपेयर्स होते हैं, वॉच रिपेयर जो घड़ी वगैरह रिपेयर करते हैं ना, वो आंख पर कुछ लगाते हैं, दैट इज नथिंग बट सिंपल माइक्रोस्कोप। या फिर सोनार के पास आप गए होंगे, ज्वेलर्स के पास, तो वो ऑर्नामेंट चेक करने के लिए कुछ आंख पे कुछ लगा के उसको ऑब्जर्व करता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को 20 टाइम्स बिगर करके देखने के लिए एक सिंपल सा डिवाइस होता है जिसमें एक ही लेंस होती है, उसको बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा, तो कॉम्प्लिकेटेड सा माने क्या होता है, उसमें दो लेंस होते हैं, ठीक है, बाकी कोई टेंशन की बात नहीं है। तो सबसे पहले हम सिंपल माइक्रोस्कोप देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप, जैसा कि नाम है ऐसा, बहुत सिंपल होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप इज अ वेरी सिंपल अरेंजमेंट। क्या करना है, एक लेंस लेना है हमें, ओके, दिस इज द लेंस, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप का डायग्राम, रे डायग्राम बना रहा हूँ मैं। दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, बराबर। मान लो ये आपका फोकस है, दिस इज द फोकस, ओके। सपोज दिस इज एफ वन, एंड मान लो ये एफ टू है, ये एफ टू है, और दिस इज द लेंस, ये क्या है, हमारा लेंस है, बराबर। सपोज दिस इज द लेंस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, हम ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे, ओके। हमेशा सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर, मतलब जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है फ्रॉम फोकल लेंथ, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज यू। तो यू मस्ट बी प्लीज मेक श्योर दैट यू मस्ट बी लेस देन फोकल लेंथ। यू क्या होना चाहिए, फोकल लेंथ से कम होना चाहिए। फोकल लेंथ ये होती है ना, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। मान लो ये ऑब्जेक्ट है पी क्यू। अब सबको पता है इसकी इमेज कैसे बनेगी, कैसे बनेगी, पहला रे कैसा जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से जाएगा, ये फोकस में से जाएगा। और सेकंड रे हम कौन सा ले लेंगे, जो ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर में से जाने वाला रे सीधे सीधे जाएगा विदाउट डेविएशन। आप स्केल से बना लेना डायग्राम, ठीक है। अब अगर ये कैसे रेज है, डाइवर्जिंग रेज, इधर कहाँ पर वो मीट होंगे, क्या नहीं मीट होने पर इमेज मिलती है ना, पता है आपको, ठीक है। तो अगर आप इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे कुछ इस तरह से, इसको अगर आप बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे, पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पर ये मिल जाएंगे, ओके। अब यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए थोड़ा सा मैं इस पर ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, लेकिन आप प्रॉपर डायग्राम निकाल लेना स्केल से, अच्छे से डायग्राम आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो इमेज है पी की, इमेज यहाँ मिल गई पी डैश, यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इधर, तो क्यू की इमेज मिलेगी क्यू डैश, क्या मिलेगी क्यू डैश, ओके। तो ये हो गया इमेज डिस्टेंस। सो इमेज कहाँ मिलेगी, सेम साइड पे, इमेज डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय वी। तो देखो ऑब्जेक्ट से इमेज काफ़ी बड़ी है, तो कितनी बड़ी तक मिल सकती है, 20 टाइम्स तक आप इसको बिगर बना सकते हो। दिस इज द सिंपल अरेंजमेंट, या ये क्या है, सिंपली दिस अरेंजमेंट या दिस लेंस इज कॉल्ड एज सिंपल माइक्रोस्कोप। इसको ही हम क्या बोलेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप, बहुत सिंपल है इसलिए इसको बोलेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। माइक्रो क्यों बोला गया, बिकॉज बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो माइक्रो लेवल की होती है, माइक्रो माने 10^-6, इतनी छोटी साइज की भी चीज़ें इससे हम आराम से देख सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया, माइक्रो बोला गया, ठीक है। अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व करोगे, ये ह्यूमन आई है आपकी, यहाँ से ऑब्जर्व करोगे आप, तो आपको यहाँ पर इसकी इमेज दिखाई देगी बहुत बड़ी, ओके, बहुत बड़ी। कितने टाइम, 20 टाइम्स। मान लो ये 5 सेंटीमीटर का होता तो मैक्सिमम आप सिंपल माइक्रोस्कोप से 20 का मैग्नीफिकेशन ले सकते हो, हिसाब बचा 100 सेंटीमीटर हाइट तक इसको आप इनलार्ज करके देख सकते हो, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल माइक्रोस्कोप, ओके। चलो वेरीफाई करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप को, लाइन टू लाइन क्लियर करेंगे, ठीक है। मान लो क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। इसमें क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस, ये रही कॉन्वेक्स लेंस, कैसी, ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ,
जिसकी कॉन्वर्जिंग पावर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, शॉर्ट फोकल लेंथ, बहुत छोटे फोकल लेंथ की ये कॉन्वेक्स लेंस है। इसकी फोकल लेंथ कैसी है? शॉर्ट फोकल लेंथ होती है, ठीक है। अब उसके बाद यूजुअली फिक्स्ड इन सुटेबल फ्रेम, इसको एक फ्रेम में फिक्स किया होता है, वो आँख में पकड़ता है ना, ऐसे ऐसे पकड़ता है, ठीक है ना, वो फ्रेम में फिक्स होता है, या विथ अ हैंडल, हैंडल में रखा होता है, और माउंटेड ऑन अ स्टैंड, या फिर स्टैंड पे रखा हुआ होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस होती है, स्टैंड पे रखो या किसी फ्रेम में फिक्स कर दो, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस, ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है? इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखना है, ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ, जिसकी फोकल लेंथ कैसी है? बहुत शॉर्ट है, फोकल लेंथ बहुत शॉर्ट है, सच दैट, इस तरह से रखना है कि द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज लेस देन दैट ऑफ फोकल लेंथ। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, फोकल लेंथ से कम होने चाहिए, मतलब द ऑब्जेक्ट शुड बी बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर होना चाहिए, ठीक है। द इमेज इज वर्चुअल, इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल, इरेक्ट है ना, तो वर्चुअल इमेज बनेगी, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी ऑब्वियसली, एंड इट इज फॉर्म ऑन द सेम साइड, और सेम साइड पे बनेगी, ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, जिस साइड पे आपने ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड पे उसकी इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज करके अ मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन कितना? 20 मिल सकता है मैक्सिमम, तो हाइट ऑफ इमेज इज 20 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। तो अबाउट 20 कैन बी, कितना 20 का मैग्निफिकेशन आप ऑब्टेन कर सकते हो सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज करके। इसका क्या मतलब है? किसी ऑब्जेक्ट की हाइट अपन 20 टाइम्स बढ़ा सकते हैं, उसका साइज 20 टाइम्स बढ़ा के हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके यूजेस क्या क्या होंगे सिंपल माइक्रोस्कोप के, देख लो। जिसका जहां कहां भी आपको किसी चीज को जूम करके ऑब्जर्व करना है या बड़ा करके ऑब्जर्व करना है, तो आप सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज कर सकते हो, ठीक है। यूज बाय वॉच रिपेयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वॉच रिपेयर्स, आंख में कुछ लगाते हैं ना वो, दैट इज नथिंग बट सिंपल माइक्रोस्कोप, टू ऑब्जर्व द स्मॉल पार्ट ऑफ द वॉच, जो घड़ी होती है ना उसके छोटे छोटे पार्ट ऑब्जर्व करने के लिए वॉच रिपेयर्स इसका यूज करते हैं, या ज्वेलर्स, ओके, जो सोनार होते हैं ज्वेलर्स यूज करते हैं एग्जामाइन करने के लिए, ऑर्नामेंट्स, दागिनों, जो दागिने, ऑर्नामेंट्स मतलब दागिने, ज्वेलरी को एग्जामाइन करने के लिए इसका यूज करते हैं, या फिर हम क्या करेंगे, इसको बहुत छोटे छोटे वर्ड या प्रिंट बहुत छोटी है उसको पढ़ने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इसीलिए सिंपल माइक्रोस्कोप का दूसरा नाम क्या है? मैग्नीफाइंग लेंस, छोटी चीजों को बड़े करके 20 टाइम्स तक मैक्सिमम इसको बड़ा कर सकते हैं, इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो इसीलिए सिंपल माइक्रोस्कोप को क्या बोला जाता है? मैग्नीफाइंग लेंस। अब सिंपल माइक्रोस्कोप के बाद सेकंड वन है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है, आराम से समझना। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम दो लेंस यूज करने वाले हैं, कैसे यूज करेंगे, उसका फायदा क्या होगा ये समझेंगे, आराम से समझना। मान लो एक ये कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस हम ले लेंगे कुछ इस तरह से, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लेंस रखेंगे, हाँ एक लेंस, स्मॉलर फोकल लेंथ वाली, स्मॉलर कर्वेचर वाली। अब ये जो लेंस है इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस, दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, ओके। मान लो ये ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस है, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, तो उसके आगे ट्वाइस फोकस, ये सारी चीज़ें होती है। तो मान लो ये ट्वाइस है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे, क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का हम नाम देंगे मान लो पी क्यू, क्या नाम देंगे, पी क्यू, ओके। तो अब इसकी पहले इमेज बनाएंगे, इमेज बनाएंगे, तो ये प्राइमरी फोकल लेंथ है, यहाँ पर इसकी सेकेंडरी फोकल लेंथ, ये दूसरा फोकस होगा इसका, ओके, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी। तो मान लो ये रे ऐसे इंसिडेंट हुआ, ओके, तो कहाँ से जाएगा, इट विल पास थ्रू फोकस, कहाँ से जाएगा, ये फोकस में से जाएगा, ठीक है। आप स्केल से आराम से बना लेना डायग्राम, और ये दूसरा इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा, तो ये ऑप्टिकल सेंटर में से जाने वाला रे अनडेविएटेड पास हो जाएगा, और यहाँ पर इसकी इमेज बन जाएगी बियॉन्ड 2f2, बराबर, बियॉन्ड 2f2, ये होगा p डैश, ये होगा q डैश, ठीक है, सिंपल। तो ये क्या हो गया, मैग्नीफाइड हो गया, लेकिन ये वर्चुअल इमेज है। अब हम क्या करेंगे, अब आएगा यहाँ का टर्निंग पॉइंट, अब क्या करना है, यहाँ पर एक बड़ा और एक एक लेंस रख देना है, और एक एक लेंस रख देना है, ओके, बहुत ही बड़ा ऐसा और एक एक लेंस रख देना है, ठीक है। तो होगा क्या, अब होगा क्या, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो इमेज है, सॉरी, ये जो इमेज है, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और हमें इसको ऐसे मेंटेन करना है
कि ये इस लेंस को बोलेंगे आई पीस, ई वाई ई पी आई ई सी आई पीस, बिकॉज इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स आई। इधर से हम देखेंगे आई पीस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द आई, इसलिए इसको क्या बोलेंगे आई पीस। तो ये यहाँ पर फोकल लेंथ ऑफ आई पीस या फोकस ऑफ आई पीस, तो ऐसे एडजस्ट करना है ये लेंस को कि इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, एफ ई फॉर फोकल पॉइंट ऑफ आई पीस, एफ ओ फॉर फोकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये जो इमेज पहले ने बनाई, किसने, ऑब्जेक्टिव लेंस ने, इसकी इमेज ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आनी चाहिए। नहीं आई तो होता क्या है, ये दोनों एक पाइप में फिटेड होते हैं, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, इसको बोलते हैं आईपीस, और एक स्क्रू होता है, स्क्रू से क्या कर सकते हैं हम, ये रिलेटिव डिस्टेंस कम ज्यादा कर सकते हैं। तो हम स्क्रू को घुमाएंगे, इस लेंस को आगे आगे लेंगे, ऐसे इस तरह से लेंगे, ये जो इमेज बन गई इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आनी चाहिए। अब क्या करेगा, ये इसको फिर से मैग्नीफाई करेगा, दो स्टेज में मैग्नीफिकेशन होगा ना, दो लेंस से फिर से मैग्नीफाई करेगा, कैसे, पहला रे जो ऐसे इंसिडेंट हुआ, ओके, ये ऐसे इंसिडेंट होने वाला रे क्या हो जाएगा, आराम से समझना, ऐसे सपोज मान लो इसका ये फोकस है, ऐसे इंसिडेंट होने वाला रे इसके फोकस में से चला जाएगा, ओके, इमेज मैं डायग्राम आपको दिखा दूंगा, प्रिंट अटेंशन मत लेना, और दूसरे वाला जो है जो ऑप्टिकल सेंटर में से जा रहा है वो अनडेविएटेड चला जाएगा, ठीक है। अभी दीज आर द डाइवर्जिंग रेज, दे नेवर मीट, लेकिन अगर आप इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे कुछ इस तरह से पीछे की तरफ ऐसे एक्सटेंड करोगे, तो इसकी यहाँ पर बहुत ही बड़ी इमेज बन जाएगी, सेकेंडरी इमेज, ओके। तो ये बहुत बड़ी, बहुत इन लार्ज, इसका मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा होता है, ये हो जाएगा इसका पी डबल डैश और क्यू डबल डैश, तो हाईली मैग्नीफाइड, हाईली इन लार्ज इसकी इमेज बन जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसको ही क्या बोलते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, समझ में आया। और एक बार इसके रे डायग्राम मैं आपको बताऊंगा, पहले और चीजें समझ लेते, देख लो। तो सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है इज यूज टू ऑब्जर्व द स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट, जैसे कि घड़ी के रिपेयरिंग पार्ट है, या गोल्ड के अंदर की प्योरिटी है, या छोटे छोटे ऑब्जेक्ट है ऐसे के लिए। बट माइन्यूट ऑब्जेक्ट, माइन्यूट मतलब बहुत छोटे, जैसे कि बैक्टीरिया है, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें जो नेकड आइज से तो दिख ही नहीं सकते, ब्लड सेल है, अभी इसके यूजेज आ रहे हैं कंपाउंड के, देख लो, ब्लड सेल को आपको ऑब्जर्व करना है, सेल ऑफ प्लांट, प्लांट सेल को आपको ऑब्जर्व करना है, एनिमल सेल को ऑब्जर्व करना है, एंड माइन्यूट लिविंग बींग, छोटे छोटे लिविंग बींग लाइक बैक्टीरिया, अमाइबा वगैरह, अमीबा वगैरह होता है ना, प्रोटोजा या फंगा, ये सारी चीज़ें कैन नॉट बी मैग्नीफाइड। तो माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप इनको मैग्नीफाइड नहीं कर सकता सफिशियंटली बाय सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप इन सारी चीज़ों को, किनको, स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट, माइन्यूट ऑब्जेक्ट लाइक ब्लड सेल को नहीं देख सकते हम सिंपल माइक्रोस्कोप में से, प्लांट सेल को नहीं देख सकते, एनिमल सेल को नहीं देख सकते, छोटे छोटे लिविंग बैक्टीरिया या फिर इनको हम सफिशियंटली मैग्नीफाइड नहीं देख सकते। तो ये किससे देख सकते हैं आप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। तो यूजेस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या आएगा, इट इज़ यूज्ड टू ऑब्जर्व ब्लड सेल्स, प्लांट सेल, एनिमल सेल, स्मॉल ऑब्जेक्ट लाइक बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें इसके यूजेस में आ जाएंगी, ठीक है। तो अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप बेसिकली होता क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स आर यूज्ड टू स्टडी दीज ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट जो छोटे मोटे, बहुत छोटे, माइन्यूट मतलब बहुत कम, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, किसका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का हम यूज़ करते हैं। तो इट इज़ मेड अप ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंस, इसमें दो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। पहला कॉन्वेक्स लेंस कौन सा होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस, जो ऑब्जेक्ट की तरफ है, देखो ना ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ है, इसलिए इसको हम क्या बोला, ऑब्जेक्टिव लेंस। और दूसरा क्या है, आईपीस, इधर आंख होगी आपकी, यहां पर यहां से आप देखोगे, तो इसको बोलेंगे आईपीस, जो आंख की तरफ होगा उसको बोलेंगे आईपीस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस की प्रॉपर्टी क्या है, स्मॉलर फोकल लेंथ है एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, ये छोटी है ना, ये छोटी है और ऑब्जेक्ट की तरफ डायरेक्टेड है। और आईपीस की क्या स्पेशलिटी है, बिगर क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, बिगर है एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द आई, और आंख की तरफ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, आईपीस बोलेंगे। ये ऑब्जेक्ट की तरफ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव बोलेंगे, ठीक है। अब ये बोथ द लेंस आर फिटेड इन अ पाइप, दोनों लेंस को एक पाइप में फिट किया गया, ऐसा एक पाइप होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रखा जाएगा, यहाँ पर आईपीस रखा जाएगा, इसको ऐसे फिट किया गया पाइप में, या फिर मान लो ऐसा पाइप होगा वो, ठीक है, इस तरह से इसको फिट किया जाएगा। फिर बिटवीन देम, ओके, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम कैन बी एडजस्टेड बाय स्क्रू, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हम कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, वहां पर स्क्रू की अरेंजमेंट होती है, ठीक है। अब उसके बाद हाई मैग्निफिकेशन कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग कंबाइन इफेक्ट ऑफ टू लेंस, तो दो बार मैग्निफिकेशन होगा ना, पहले ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव ने मैग्नीफाइड किया, ऑब्जेक्टिव ने मैग्नीफाइड करके जो इमेज दी वो इमेज आईपीस के लिए फिर से ऑब्जेक्ट का काम करेगी, इस इमेज को ये क्या करेगा, फिर से मैग्नीफाई करके बहुत बड़ी इमेज दे देगा, ठीक है। तो कंबाइन इफेक्ट से बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड इमेज आपको मिल सकती है। तो क्या होगा वर्किंग, एज शोन इन फिगर, जैसे कि फिगर में बताया है, मैग्नीफिकेशन ऑकर
इन टू स्टेजेस, दो स्टेज में मैग्नीफिकेशन होगा। एक बार ऑब्जेक्टिव इसको मैग्नीफाइड करेगा, द इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट लेंस, मतलब ऑब्जेक्टिव की ने जो इमेज बनाया ये इमेज एक्ट्स एज अ ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड लेंस, मतलब आईपीस के लिए ये इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगी। बोथ द लेंस आर प्लेस्ड सच दैट हैविंग कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों लेंस को इस तरह रखा गया है कि दोनों का जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो क्या है, कॉमन है। ओके okay, अब एक चीज याद रखना नोट, अब ये क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर ये आपने लेंस ऑब्जेक्टिव क्यों छोटा लिया, मान लो आपने बड़ा ऑब्जेक्टिव यूज किया तो क्या होगा। बड़ा ऑब्जेक्टिव अगर आपने यूज किया तो जो अनवांटेड लाइट है, ऑब्जेक्ट के साथ जाने वाली लाइट के साथ साथ कुछ अनवांटेड लाइट भी इसके अंदर इंटर हो जाएगी और जो मैग्नीफाइड होते जाएगी, ये मैग्नीफाई करेगा फिर ये भी मैग्नीफाई करेगा, तो ऑब्जेक्ट आपको क्लियर दिखेगा क्या, नहीं दिखाएगा। ओके okay? तो इफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज लार्जर इन साइज, मान लो आपने ऑब्जेक्टिव लेंस लार्जर यूज किया इन एडिशन टू लाइट कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट, तो जो ऑब्जेक्ट से लाइट जा रही है उसके साथ साथ कुछ एडिशनल लाइट भी इंटर हो जाएगी, ऑब्जेक्ट अदर अनवांटेड लाइट also इंटर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो कुछ अनवांटेड लाइट जो दूसरी तरफ से आ रही है वो भी इसके अंदर क्या हो जाएगी, इंटर हो जाएगी, हेंस इमेज विल नॉट बी सीन क्लियरली। तो इस तरह से इमेज क्लियरली दिखेगी क्या, नहीं दिखेगी। ठीक है, तो आइए इसके रे डायग्राम को और अच्छे से समझते हैं, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके आपने अभी तक लिख लिया होगा। ठीक है, तो अब इसके जो रे डायग्राम है और एक बार आपको मैं समझाऊंगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो लेंस हम यूज कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट की तरफ है उसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव, जो आंख की तरफ है उसको बोलेंगे आईपीस, क्या बोलेंगे आईपीस। और लॉजिक क्या है, ऑब्जेक्टिव छोटा साइज का है और आईपीस बड़े साइज का है। मान लो अगर आपने ऑब्जेक्टिव बड़ा यूज़ किया तो कुछ अनवांटेड लाइट भी ऑब्जेक्ट के आने वाले लाइट से साथ साथ कुछ अनवांटेड लाइट भी उसके अंदर इंटर हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें इमेज क्लियरली नहीं दिखेगी। ठीक है, तो देखो अभी स्पेस ही स्पेस है, अब आराम से बहुत ही इंटरेस्टिंग डायग्राम मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, मान लो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव। ओके, छोटे साइज का होता है ये, इसकी फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है बिकॉज इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। ओके, ये पाइप में फिटेड होता है, तो पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे बिटवीन फोकल एफ एंड टू एफ। ओके, मान लो यहाँ पर टू एफ है, तो ये है पी क्यू, तो होगा क्या, पहला रे ऐसे इंटर होगा पैरेलली, मान लो इसका ये सेकेंडरी फोकस है। ओके, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, ये ऑप्टिकल सेंटर है, आप स्केल से आराम से डायग्राम निकालना। ओके, तो ये इसका 2f है, तो अगर f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज बियॉन्ड 2f मिलेगी ना, बियॉन्ड 2f मिलेगी, तो इसकी इमेज मिल गई, इसको क्या बोलेंगे, ये p का इमेज मिला p डैश, q का इमेज मिला q डैश। अब हमने आई पीस को स्क्रू से ऐसे एडजस्ट किया कि आई पीस बड़ा साइज का होता है, दिस इज मान लो आई पीस, ठीक है, ये आई पीस है हमारा, तो आई पीस का जो फोकल लेंथ है वो यहाँ पर आ गई, मान लो फोकल पॉइंट ऑफ आईपीस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आईपीस। अब ये जो इमेज जो ऑब्जेक्टिव ने बनाया आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो ऑब्जेक्ट आईपीस क्या करेगा, फिर से मैग्नीफाई करेगा इसको। ओके, पहला रे जो कि पैरेलल इंसिडेंट होगा। ओके, तो मान लो ये ऐसे इसका फोकस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस में से जाएगा, और दूसरा रे जो के ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर में से जाने वाला रे अनडेविएटेड जाएगा विदाउट एनी काइंड ऑफ डेविएशन। अब ये तो डाइवर्जिंग रेज है, आगे तो कहीं मिलेंगी ही नहीं वो, अगर इसको आप बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे, इफ़ यू एक्सटेंड दिस रेज बैकवर्ड, इसको अगर आप बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे कुछ इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, सीधी रे निकालना आराम से, हाँ जगह होनी चाहिए थोड़ी सी बस। ओके, इसको अगर आप बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे तो कहीं पर ये यहाँ पर मीट हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपको इमेज मिलेगी P डबल डैश, सेकंड मैग्नीफाइड इमेज, यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये मिल जाएगा Q डबल डैश। तो इस ऑब्जेक्ट का एक बार मैग्नीफिकेशन हुआ यहाँ पर, और ये मैग्नीफाइड इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ये फिर से मैग्नीफाइड कर देगा, और देखो इतने की इतनी मैग्नीफाइड इमेज आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके यूजेस क्या क्या होंगे, जो बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स है जैसे कि ब्लड सेल है या फिर प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, इनको मैग्नीफाइड करने के लिए इसका यूज़ होता है। ओके, तो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का भी एक कंसेप्ट होता है जो स्मॉल डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक।